दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपने हमारी वीडियो को खूब लाइक किया, धन्यवाद आपका। और हम सोचते हैं कि ऐसी वीडियो आप अपलोड करते रहें कि जिसमें हमारा उत्साह बढ़े और आपको भी कुछ जानकारी हासिल हो। तो दोस्तों हमने आज खोला है सामी ट्रैक्टर का डिस्ट्रीब्यूटर। तो इस डिस्ट्रीब्यूटर में डिसअसेंबल तो हम कर चुके हैं और इसमें सिर्फ असेंबल करना है। तो हमने सोचा कि अपने मैकेनिक भाइयों के लिए कुछ जानकारी हम भी शेयर कर दें। तो असेंबल करते हुए ये वीडियो बना रहे हैं, तो जितना हो सका तो हम उतनी आपको जानकारी देंगे। हम देहाती आदमी, देहाती भाषा, देहाती प्रयोग। तो दोस्तों ये डिसअसेंबल है। अब इसमें कौन सी चीज, कौन सा स्प्रिंग, कौन सा पुर्जा कहाँ पड़ेगा, ये आपको डिसअसेंबल करते हुए हम दिखाते हैं। तो ये रही हमारी प्लेट। इस प्लेट में ये सिस्टम, ये बॉल को हम यहाँ डाल देंगे। ये अब इस बॉल पे एक स्प्रिंग आएगा, ये वाला, ठीक है। अब एक स्प्रिंग ये टाइप इस होल में, इसके ठीक सामने ये हो गया। ये हमने ओरिंग्स दोस्तों पहले बदल लिया है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता। तो ये ओरिंग इस टाइप में रख के ये यू टाइप में चला के देख सकते हैं। ये हमारी ये प्लेट ओके हो गया। अब दोस्तों ये पीस रह गया। इस पीस में ये गैलरी, जिसमें मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हैं आप। इसमें एक 19 नंबर का बोल्ट है और एक इसके ठीक सामने ये 13 नंबर का बोल्ट है। क्योंकि ये पहले मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये 19 नंबर के बोल्ट में ये बॉल ये इस टैप से हमने डाल दिया। दोस्तों बैठा नहीं है ये, थोड़ा बैठा लेते हैं इसको, ठीक है ना, आराम से बैठ गया ये। अब इसमें ये वाला स्प्रिंग, ये आप इजीली है दोस्तों, कोई कठिन नहीं है। ये 19 नंबर का बोल्ट मैंने इसलिए पहले बता दिया था कि आपको कहीं गैलरी समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये लगा दिया हमने, ठीक है। अब ये 13 नंबर का बोल्ट इसमें पिन टाइप में है, ये हम इधर से पहले ही लगा लेते हैं। अब ये इसी 13 नंबर वाली गैलरी में ये पुर्जा देख लो फिर से, क्योंकि हम देहाती आदमी पुर्जा बता दिखाएंगे। ये रहा ये। अब दोस्तों इसमें ये स्प्रिंग, ठीक है, और इसी के अंदर दोस्तों ये पिन आएगी, ओके। अब इसी के ठीक दोस्तों यहाँ ये स्प्रिंग डाला है अपने, ये 13 नंबर के बोल्ट के सीध में ये गैलरी है। इस गैलरी में आप ये स्प्रिंग देखो, लेवल है, हल्का सा ऊंचा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये बाल इधर से स्प्रिंग अंदर बैठ जाएगा, ये साइड इधर को रख के ये फिट हो गया। अब दोस्तों ये तो हो गया कंप्लीट। जिधर हमने 19 नंबर का बोल्ट कसा था उसी साइड में एक पिन है, होल बरीक है, एक तरफ नोक एक तरफ प्ले। ये नोक वाली साइड
इस साइड में, फिर से देख लें, ठीक है ना। अब इसका मेन स्पूल बॉल ये, अब इस मेन स्पूल बॉल को हम यूं डाल देंगे। अब इसको दोस्तों हम ज्वाइंट कर लेते हैं इस पीस को दूसरे पीस के साथ। जो हमारा कंट्रोल बॉल इसी के साथ में आएगा, दस नंबर के बोल्ट को भी हम हल्का मिला लेते हैं ताकि आउट ना हो। उसके बाद ये आपका आ गया, ठीक है ना। ये इस टाइप में यूं दोस्तों हम सोच रहे हैं कि आपको फुल तरीके से समझा पाए, लेकिन कुछ समय प्रॉब्लम के साथ, क्योंकि कस्टमर को जल्दी है तो हम उतना आपको टाइम नहीं दे पाएंगे, खेद है उसके लिए। लेकिन फिर भी कोशिश की हमने कि आपको कम समय में पूरी जानकारी दे पाए। अब दोस्तों ये पिन अब दोस्तों ये तो ओवरलोड बाल, अब एक गैलरी ये थी, अब इसके अंदर का भी सिस्टम डाल देते हैं हम, जो भी बॉल है इसमें। ये तीन पुर्जे, तीन ही पुर्जे हैं, ये पिन टाइप बॉल स्प्रिंग, ये आप यू टाइप, इधर से होल बंद है आएगा नहीं, इधर से होल ओके। इस तरीके से रख के हम इस गैलरी में ये, और दोस्तों ये बोल ये अडॉप्टर लगा दिया हमने। दोस्तों कुछ कस्टमर की जल्दी की वजह से हमने आपको दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कहीं भूल चुक हुई हो तो एक्सक्यूज मी। चलो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो हम जल्दी ही फार्म ट्रक के डिस्ट्रीब्यूटर हाइड्रोलिक वाल्व वगैरह चेंज करने पे डालेंगे, क्योंकि वो भी ट्रक पर खड़ा हुआ है, रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि वो वीडियो भी आपको दिखाएं। धन्यवाद।